जी हिंदी इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की आपके जो है दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर। तो यहाँ पर जो है आपको बताया दोस्तों आपका जो है 14 नवंबर से जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एग्जाम जो आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है दोस्तों अब आपके एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, जिसका जो अपडेट पहले ही हमने वीडियो में आपको दिया था। और अब जो है दोस्तों आपके एक और रीजन के जो है एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि अब तक जो आपके कौन कौन से रीजन के एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं, किस प्रकार आप जो है यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को तक जरूर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जो है दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर ही ऊपर एडमिट कार्ड। तो जैसे ही जो है दोस्तों एडमिट कार्ड पे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जो आपको एसएससी के सभी रीजन की आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और एसएससी जो है वो दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है आपका रीजन वाइज यहाँ पे जारी करता है। तो यहाँ दोस्तों अगर अभी के लिए यहाँ पे बात करें तो अभी अभी जो है आपका सदर रीजन का जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों हम है अभी आपके सदर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे देख पाएंगे सिंपली जो है कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 नाउ योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसके लिए जो है सिंपली दोस्तों जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर जो आप सिंपली देख पाएंगे कि आपका जो है दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए आप सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे, इसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है दोस्तों बात करें आपका जो है अब यहाँ पे एग्जाम डेट जो है वो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, साथ ही जो है एग्जाम का कौन सा सिटी यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन का कौन सा सिटी यहाँ पे रहने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो में पहले ही अपडेट हमने आपको यहाँ पे दिया था, आपका कर्नाटका केरला रीजन का जो एडमिट कार्ड का स्टेटस जो है पहले यहाँ पे जारी कर दिया गया था। तो अभी के लिए दोस्तों आपका सदर रीजन और कर्नाटका केरला रीजन का जो है आपका इन दो रीजन का एडमिट कार्ड का स्टेटस जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अलावा जो है अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों आपका बाकी रीजन का जो है, आपका सेंट्रल रीजन हो गया, आपका नॉर्थ रीजन हो गया, आपके इन सभी रीजन के एडमिट कार्ड के स्टेटस जो आपको कब तक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको बताया दोस्तों आपका 14 नवंबर को जो है एग्जाम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इससे जो है आप मान के चलिए दोस्तों आपका 10 दिन पहले जो है आपको लगभग सभी रीजन के आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आप मान के चलिए दोस्तों अब जो है 4 से 5 दिन में लगभग आपको जो है आपके सभी रीजन के एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है दोस्तों जैसे ही यहाँ पे जारी होंगे सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पे देंगे, तो चैलेंज से जरूर जुड़ें। और यहाँ पर जो है जिन भी दोस्तों का डाउट है कि सर हमारा फाइनल एडमिट कार्ड जो आपको एग्जाम सेंटर पे यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको बता देंगे आपका जो है एग्जाम डेट से जो है 4 दिन पहले आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।